सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। ये हमारी ऑन डिमांड वीडियो है। दिल्ली पुलिस की जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें कमेंट किया गया था, तो उसमें पूछा गया था कि दिल्ली पुलिस वर्सेस स्टेट पुलिस में से कौन सी बेटर है या कौन सी वाली बेस्ट है जो हमें करनी चाहिए, और इनमें किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक दिल्ली पुलिस, CISF, SSB, इन सब में कौन सी वाली जॉब बेस्ट है और किस टाइप से लीग हमें मिलती है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो ये सब कुछ जो डाउट्स थे, क्या पावर किसकी होती है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, कौन सी लीव हम कब ले सकते हैं, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए हमें ये लीव्स मिलती हैं, तो ये सारे जो डाउट्स थे आपके माइंड में, इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो ये डाउट्स आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो हमारी दिल्ली पुलिस की प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकाली हुई है इस बार दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव में, तो किस अकॉर्डिंग हम उसमें स्टडी कर सकते हैं, क्या टाइम पीरियड हम लगा सकते हैं, किस अकॉर्डिंग हमें उसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट्स का डिवीजन दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में कवरअप करी थी। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस करे थे। नाउ अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस वर्सेज स्टेट पुलिस। अब देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट को हम गलत या बुरा नहीं बोल सकते हैं, हर चीज़ अपने आप में बेस्ट होती है, बट कुछ किसी में ज़्यादा हमें क्वालिटीज मिल जाती है, कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं जिससे हमारे लिए वो बहुत बेस्ट हो जाती है, और कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमें इतनी सारी बेनिफिट्स नहीं मिलते। स्पेशली हम लोग अपनी लीव देखते हैं और बेनिफिट्स देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को बेस्ट बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। देखिए, दिल्ली हम जानते हैं कि इंडिया की कैपिटल है, तो एज अ राजधानी तो इसके कुछ अलग से बेनिफिट्स होते हैं और कुछ एडवांटेज इसी वजह से दिल्ली पुलिस को ज़्यादा दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट पुलिस। अब इसमें देखिए, मैंने दोनों में कंपैरिजन किया हुआ है। फर्स्ट है हाइट की बात अगर हम करें तो दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर मेल्स के लिए हाइट होती है एंड 157 सेंटीमीटर फीमेल्स की हाइट है, जो अभी रिसेंटली फॉर्म निकले हो उनमें भी यही है। उसके बाद में हाइट अगर हम अदर स्टेट पुलिस में बात करें, जितने भी स्टेट पुलिस होती हैं उनमें, तो 170 होती है, 168 भी हो सकती है, 165 भी हो सकती है। अब 165 बहुत कम हाइट है, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश है, इस टाइप की जो स्टेट्स होती है वहाँ पे लोगों की हाइट इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो वहाँ पे इस अकॉर्डिंग हाइट लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की। जो दिल्ली पुलिस में सैलरी मिलती है वो स्टेट पुलिस के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलती है। और कंट्रोल की बात करें तो दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एंड स्टेट पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट करती है। दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो जितने भी डिसीजंस होते हैं दिल्ली पुलिस के लिए तो वो सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। पावर की बात करते हैं, पावर दिल्ली पुलिस में मोर देन होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट पुलिस, और एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है और स्टेट पुलिस में स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का रिसेंटली जो फॉर्म निकला हुआ है वो इस बार SSC ने कंडक्ट करवाया है, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार वैकेंसी इतनी ज़्यादा निकली है, तो उस चीज़ का भी एडवांटेज लीजिएगा, और बिल्कुल सेकेंड थॉट माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि हमें दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके से इसके बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये तो कुछ ऐसे हैं जो हम मोटे मोटे बेनिफिट्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपको दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल करना है और ये जॉब करनी है। अब इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसमें हर कोई जा सकता है, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो, बस क्वालिफिकेशन जो दे रखी है उसमें आपको एलिजिबल होना पड़ता है। उसके अलावा आप फॉर्म फिल करिए, एग्ज़ाम और फिजिकल जो होता है उसको दीजिए, और उसके बाद किसी भी स्टेट का पर्सन, किसी भी स्टेट से कैंडिडेट दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये तो बात हो गई यहाँ पे दिल्ली पुलिस वर्सेज स्टेट पुलिस में क्या क्या कंपैरिजंस हैं, हाइट सैलरी वगैरह में क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं।
अब बात करते हैं जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक SSB और कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो सकती है, इसके अलावा ITBP और दिल्ली पुलिस में बात करें तो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एक्सेट्रा, तो ये जितने भी हमारी फोर्सेस हैं इनमें किस अकॉर्डिंग हमें लीव मिलती है, किस कब कब हम उन लीव्स को ले सकते हैं, क्या हमारे पास एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो कुछ लीव हैं जो मैंने फिल्टर आउट करके निकाली हैं, इसके अलावा भी कुछ बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं जो आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको पता चलती हैं। इसके अलावा अगर ये जो लीव्स हैं ये मेन लीव्स होती हैं जो कि मेंशन करी जाती हैं। फर्स्ट लीव की बात करें तो अर्नड लीव है जिसको EL कहते हैं, ये 30 डेज और 60 डेज की हो सकती है। दिल्ली पुलिस में ये 30 डेज की होती है। ये जो लीव होती है 30 डेज और 60 डेज हमें पूरे कैलेंडर ईयर में मिलती है। अगर आप किसी भी रीज़न से जैसे इस कैलेंडर ईयर में इन लीव्स को यूज़ नहीं करते तो ये लीव हमारी नेक्स्ट ईयर पे ऐड अप हो जाती है। नेक्स्ट लीव आती है हाफ पे लीव, सिक लीव, कॉमोडेट लीव या फिर बीमारी की छुट्टी, ये सी लीव के नाम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है HLP। ये लीव आपको 20 डेज की मिलती है, मींस कि अगर कोई आपको ऐसी सीरियस बीमारी हो गई है, कोई डिजीज़ हो गई है या फिर इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट वगैरह कोई केसेस होते हैं तो उस टाइम पे, या कभी भी जब आपको लगता है कि जैसे हम स्कूल में सिक लीव लिखते हैं ना, तो इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे हम ये सिक लीव ले सकते हैं जो कि 20 डेज होते हैं पूरी एंटायर सर्विस में आपकी। और जो ये 20 डेज होते हैं ये आपके नेक्स्ट ईयर में एडअप हो सकते हैं अगर आप एक ईयर में इन लीव को नहीं लेते हैं। अब नेक्स्ट आपकी आती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव ये हमें विद परमिशन मिलती है। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि विद परमिशन ये कैसे मिल सकती है। जो हमारी कैजुअल लीव है ये 15 डेज की होती है। अब विद परमिशन कैसे, जैसे सपोज आपने थर्सडे या फ्राइडे को लीव के लिए एप्लीकेशन दे दी और आपको उस टाइम पे लीव चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि सैटरडे एंड संडे हमारा ऑफ होता है, तो उस टाइम पे आप के लिए विद परमिशन ये लीव में आपकी ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम पेपर वर्क में देखें तो 15 डेज मेंशन होता है, बट ऐसे सैटरडे संडेज या फिर कोई और इस टाइप की लीव जो ऑलरेडी होती है और उससे पहले हमने लीव ले ली है, तो उन सबको मिला के अप्रॉक्स ये आपकी 27-28 डेज की हो जाती है। बट इस लीव का एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने ये एक कैलेंडर ईयर में नहीं ली या नहीं यूज़ करी तो ये नेक्स्ट ईयर में आपकी एडेप्ट नहीं होती है। ये लीव आपकी उसी ईयर में लैप्स हो जाती है, मीन्स की ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ये आपकी ऐड नहीं होगी। इसका जो साइकिल है या इसका जो टाइम पीरियड है वो नेक्स्ट ईयर से आपका अलग से स्टार्ट होता है। तो ये 1 कैलेंडर ईयर में लेने वाली लीव है। नेक्स्ट लीव आती है स्टडी लीव। स्टडी लीव 5 ईयर्स की भी हो सकती है और 2 ईयर्स की भी हो सकती है, ये कम ज़्यादा हो जाती है, मीन्स कि डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन किस लेवल की है आप, या किस टाइप की एजुकेशन आप ले रहे हैं और आपने किस एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इसमें ये दिल्ली पुलिस में बहुत रेयर चांस होता है इसमें मिलना, बट अगर आपकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वाली है और आपने एप्लीकेशन बहुत टाइम से दे रखी है तो ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट सोचे और आपको दे सकता है। तो इस कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, ये इसके बीच में हो सकती है और ये होम सेक्रेटरी के थ्रू आपको मिलती है। अब नेक्स्ट है ये जो स्टडी लीव है ये पूरी एंटायर सर्विस की है। नेक्स्ट आती है आपकी स्पेशल कैजुअल लीव। जो स्पेशल कैजुअल लीव है ये इसका मतलब होता है कि अगर जैसे सपोज आप कोई स्पोर्ट्स में हैं या कोई गेम्स वगैरह हैं जो आप खेलने के लिए गए हैं या फिर रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है उसमें आप जा रहे हैं, कुछ इस टाइप की जो लीव होती है इसको स्पेशल कैजुअल लीव बोलते हैं। ये लीव किसी भी कैंडिडेट को मिनिमम 5-10 डेज के लिए मिलती है और मैक्स टू मैक्स ये 30 डेज के लिए प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट लीव आती है पेटर्निटी लीव फॉर मेल कैंडिडेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को मिलती है जब उनके बच्चे 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में होते हैं, मतलब आफ्टर बर्थ जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उस टाइम पे ये मिलती है और सिर्फ 2 बच्चों के लिए लीव प्रोवाइड करी जाती है। और इस लीव में ये डिसएडवांटेज है कि ये लीव नेक्स्ट कैलेंडर में ट्रांसफ़र नहीं होती है, अगर आपने नहीं यूज़ करी तो ये उसी ईयर में लैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में आप इसको नहीं ले सकते हैं और ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलती है। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है पेटर्निटी लीव में, ये आपको
15 डेज की मिल सकती है, या फिर आपकी जो सर्विस है एंटायर सर्विस है उसमें ही आपको दो बार मिल सकती है। तो टाइम पीरियड याद रखिएगा 6 मंथ्स में, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है उसी टाइम पे आपको ये मिलती है, उसके अलावा ये लीव आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट लीव आती है हमारी लेडीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट लीव्स हैं और सबसे ज़्यादा लीव जो उनको प्रोवाइड करी जाती हैं। सो नेक्स्ट वन इज़, अब ये हमारी तीन लीव्स आती हैं। फर्स्ट आती है मैटरनिटी लीव, सेकेंड वन इज अबॉर्शन एंड थर्ड वन इज चाइल्ड केयर लीव। ये तीनों टाइप की लीव सिर्फ लेडीज को प्रोवाइड करी जाती है। सबसे पहले वाली की बात करते हैं मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे उनको 180 डेज की मैटरनिटी लीव दी जाती है। नेक्स्ट लीव है अबॉर्शन लीव। अबॉर्शन लीव जो होती है या फिर मिसकैरेज के टाइम पे जो लीव मिलती है वो 45 डेज की होती है। इसके अलावा जो लीव आती है वो आती है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव 730 डेज की होती है पूरी सर्विस में। ये जो डेटा है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसको दिमाग में ये मत रखिएगा कि एकदम एग्जैक्ट मैंने बोल दिया है तो पत्थर की लकीर हो गई है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। नाउ चाइल्ड केयर लीव ये हमें 730 डेज की दी जाती है। अब पूरी एंटायर सर्विस में आप इसको किस अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स अगर आपको एक बार में लेनी है तो 1 ईयर की ले सकते हैं, और मिनिमम 30 डेज की ये आपको मिलती है चाइल्ड केयर लीव। तो ये कुछ लीव थी, इसके अलावा भी बहुत सारी लीव्स हैं जो मिलती हैं डिपार्टमेंट में। अब हर एक डिपार्टमेंट का कहाँ आपकी पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके बोलिए कि आपको किस टॉपिक पे या किस रिगार्डिंग आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड। एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, कोई डाउट रहता है तो हमसे कमेंट करके क्लियर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।